सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो किशोर शरीफ में आज उसका उद्घाटन होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी में। और आज आपको मैं एक बात बता दूँ कि आज का जो उसका उद्घाटन होने वाला है वो, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी में पुलिस प्रशासन आ चुकी है। और किस तरीके की तैयारियाँ हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो सामने आप देख सकते हैं मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष सैयद अजीज अशरफ साहब मौजूद हैं, और उपाध्यक्ष साहब सैयद जहांगीर अशरफ उर्फ गुड्डू मियाँ, और वो बगल में हुसैनी भाई भी अपने हैं, और जितने भी यहाँ के सदस्य लोग हैं, अजीम भाई, महबूब आलम भाई, और वो अपने जाहिद भाई, आप उनको जानते होंगे, और भी यहाँ पर ये अपने दानिश भाई, बहुत से लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं हैं। मैं अभी आपको सब कुछ आपको अपडेट देता हूँ कि कैसे उर्स का उद्घाटन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसडीएम साहब और जिला अधिकारी के सीओ सिटी वो लोग के द्वारा आज का जो उद्घाटन होना है वो तैयारियां हैं, और कौन कौन आ रहे हैं उर्स मुबारक का उद्घाटन करने के लिए। जैसे कि आज 4:30 बजे परचम कुशाई होगी, उर्स का आगाज होगा। जिला अधिकारी महोदय, क्षेत्र अधिकारी महोदय, सचिव बस्तारी महोदय, एडीएम महोदय के हाथों उसका उद्घाटन होगा। इंशाल्लाह पूरा इंतजाम कर दिया गया है, हर तरीके के जायरीनों की फैसिलिटी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। मेडिकल कैंप वगैरह हर चीज़, शौचालय की व्यवस्था, प्रोजेक्टर वगैरह हर व्यवस्था जायरीनों के लिए कर दी गई है। आज इंशाल्लाह 4:30 बजे उसका आगाज होगा। तो जैसा कि आपने देखा, मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सैयद अजीज अशरफ साहब ने बताया कि उर्स का जो उद्घाटन होने वाला है वो 4:30 बजे है, और सारी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। और सामने आप देख सकते हैं, ये रहा मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी। और अभी कैसे कहां पर जो उर्स का उद्घाटन होने वाला है वो सारी लोकेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इधर से होता हुआ वो जो मलंग गेट है वहीं पर उद्घाटन होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है, और यहाँ पर ये कैंची वगैरह और गुलाब वगैरह सब कुछ, रिबन वगैरह महबूब आलम भाई ले चुके हैं, और वो मलंग गेट जो है वहीं पर जो कटने वाला है फीता वहाँ पर पहुँचेगा। फिर उसके बाद वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 4:30 बज चुके हैं, और ये सामने रहा मलंग गेट। यहीं से अभी जो महबूब आलम भाई अपने चल रहे हैं वो यहाँ पे अभी फीता बांधेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, थाना अध्यक्ष एसडीएम साहब और सीओ सिटी के द्वारा जो मेले का उद्घाटन, उर्स मेले का उद्घाटन होना है वो थाना अध्यक्ष सीओ सिटी एसडीएम के द्वारा होना है। तो इस तरीके से अभी फीता जो है वो बांधा जा रहा है। तो ये रहा मलंग गेट, सामने आप देख सकते हैं अभी फीता बांधा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सीओ सिटी थाना अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं, और अभी वो लोग के जरिए उद्घाटन होना है। सामने आप देख सकते हैं, ये रहा मलंग गेट। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन आ चुकी है, और अभी कुछ ही देर में यहाँ का जो उद्घाटन होना है 638वां उर्स मुबारक वो अभी होने वाला है। और गाड़ी के अंदर थाना अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सचिव साहब, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों,
बसखारी थाना के अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सीओ साहब का स्वागत तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कुछ ही देर पहले अभी वहां का मलंग गेट का जो 628वें उर्स मुबारक की जो उद्घाटन हुआ है वो अभी हुआ है और आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मखदूम मशरफ इंतजामिया कमेटी के पास जो सीओ सिटी साहब और थाना अध्यक्ष वो आ रहे हैं और मखदूम मशरफ इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष के राजीव साहब भी आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से 628वें उर्स का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह कल से 24 मुहर्रमुल हराम से उर्स का आगाज़ होगा। 24 मुहर्रमुल हराम, 25 मुहर्रमुल हराम, 26 मुहर्रमुल हराम, 27 मुहर्रमुल हराम और 28 मुहर्रमुल हराम को ये 5 दिन का उर्स होने वाला है। और ये रही मखदूम मशरफ इंतजामिया कमेटी और यहाँ पर अभी जितने भी लोग आए हैं उनका इस्तकबाल होगा। Thank you.